हिंडौन सिटी में डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हाईटेक जुआ के अड्डे पर डीएसटी की टीम ने रेड मारी है। इसी के साथ ही टीम ने 28 जुआरियों को गिरफ्तार भी किया है। 1,37,200 रुपए जब्त किए गए हैं, तो 5 बाइकें और 26 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। QR कोड से स्कैन कर यहां पर दांव लगाया जा रहा था। तो हाईटेक जुआ का यह अड्डा जहां पर डीएसटी की टीम ने दबिश देकर कार्रवाई करते हुए 1,37,200 रुपए जब्त किए हैं। इसके साथ ही 5 बाइक और 25 मोबाइल फोन भी डीएसटी की टीम ने जब्त किए हैं। हाईटेक जुआ का अड्डा जहां पर आप देखिए स्कैनर भी लगाया गया और इसके साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रही थी जुए के लिए। इसके साथ ही 1,37,200 रुपए पुलिस ने जब्त किए हैं। 5 बाइक, 26 मोबाइल फोन, जुआ का यह अड्डा। हिंडौन सिटी में डीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 बाइक, 26 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। तो 28 जुआरियों को भी साथ ही गिरफ्तार किया गया है। तो इस हाईटेक जुए के अड्डे से डीएसटी की टीम ने 28 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी कार्रवाई हिंडौन सिटी में हुई है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ गए हैं हमारे साथ इस खबर पर। ओम प्रकाश, 28 जुआरी, साथ साथ यहाँ पर QR कोड से जुए में इस्तेमाल हो रहा था और कैश का लेन देन हो रहा था, 1,00,000 से ज्यादा की रकम। तो ये हाईटेक तरीके से जुआ का अड्डा चल रहा था जिस पर पुलिस ने दबिश दी। जी नंदनी, देखिए मैं बता दूं आपको, ये पूरा मामला हिंडौन सदर क्षेत्र के खेड़ा गांव का है, जहां जिला पुलिस की स्पेशल टीम यानी कि DST ने ये दबिश दी है। और ये दबिश दी गई उस समय जब यहाँ एक हाईटेक जुआ खेला जा रहा था। और बड़ी बात यह है कि यहाँ नगद राशि का ही नहीं बल्कि QR कोड से स्कैन करके भी और नगद पैसों का यानी ऑनलाइन भुगतान का पर ताश के पत्तों पर जुआ यानी दाव लगाया जा रहा था। इस दौरान यहाँ DST टीम अचानक से पहुंची और घेराबंदी की गई और घेराबंदी करके 28 जुआरियों को मौके से दस्तयाब किया है, गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 1,37,200 रुपए की नकद राशि और 1 QR कोड स्कैनर, 5 मोटरसाइकिल और 26 स्मार्टफोन, एंड्रॉइड स्मार्टफोन बरामद किए हैं। जी नंदन, ओम प्रकाश जी, कोई गली में खेले जाने वाला नुक्कड़ पर जुआ नजर नहीं आ रहा। ये ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा एक गोरख धंधा जुए का चल रहा हो और इसका संचालन करने वाले लोग भी हों, क्योंकि 28 लोग जुआ खेलते पाए गए जिसमें आप देखिए QR कोड का इस्तेमाल हो रहा है, इतनी बड़ी नकदी मिली है, इतनी सारी बाइकें, इतने सारे मोबाइल फोन। क्या पूरा गोरख धंधा चल रहा था, जुआ खिलवाया जा रहा था? ये मामला मैं बता दूं आपको, ये छोटा मोटा मामला नहीं है, बड़ा स्कैंडल है और इसको सपोर्ट से इस लोगों से लेकर के पुलिस का भी संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि अभी हाल ही में DST टीम का गठन यहाँ की जो SP है ममता गुप्ता उनके द्वारा किया गया है, उसके बाद से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही है। पिछले दिनों भी एक सूरौर थाना इलाके में कार्रवाई की गई थी, वहां तो बहुत बड़ा ही मामला सामने आया था। स्टाम्प पेपर यानी कि शपथ पत्र पूरे स्टाम्प पेपर पर भी जो दाव लगाए जा रहे थे और ऑनलाइन भुगतान का वहां भी मामला आया था, इतना ही बड़ा मामला वहां सामने आया था। अब लेकिन चूंकि इतना बड़ा मामला सामने आया है तो और DST की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, यानी ये पूरा रैकेट है और इसी पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं और DST टीम ने ये बड़ी भूमिका निभाते हुए जुआरियों को अपने कब्जे में लिया है और ये बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए ओम प्रकाश। तो हाईटेक जुए का ये अड्डा जहां से पुलिस ने 1,00,000 से ज्यादा की रकम बरामद की है, साथ ही साथ 25 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं और लगभग 25 से 30 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।